अगर आप एक ट्रेवल एजेंट बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि फ्लाइट टिकट का एजेंसी लेना, यानी आप फ्लाइट टिकट में कमीशन कमाना चाहते हैं, चीप रेट में आप फ्लाइट टिकट बुकिंग करना चाहते हैं, तो आप इस काम को कैसे कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बड़ी आसानी से फ्लाइट टिकट की एजेंसी कैसे ले सकते हैं, वो भी फ्री में। इसमें आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फ्लाइट टिकट की एजेंसी हम कैसे ले, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर दें, जिससे मैं कोई भी किस्म की वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं नॉलेज फॉर हिंदी। अगर आप एक फ्लाइट टिकट की एजेंसी लेना चाहते हैं, फ्लाइट टिकट सस्ती में बुकिंग करना चाहते हैं, फ्लाइट टिकट में कमीशन कमाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप अपनी गूगल ब्राउजर ओपन कर लीजिए और इजी माई ट्रिप बी टू बी रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे लिख के सर्च कर लेना है। इजी माई ट्रिप बी टू बी रजिस्ट्रेशन लिख के जैसे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बी टू बी यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि b2b.easymytrip.com का यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन में क्लिक करता हूँ। सिंपल सा रजिस्ट्रेशन में जैसे क्लिक करोगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो पेज होता है बी टू बी का, इजी माई ट्रिप का, तो आपको यहाँ पे लेके आ जाएगा। सिंपल सा आप देख सकते हैं ज्वाइन यूज एट बी टू बी इजी माई ट्रिप फॉर बिजनेस का, ठीक है। उसको सबसे पहले आप अपने यहाँ पे पर्सनल नेम डिटेल्स के जगह आप पर्सनल यहाँ पे अपना डिटेल देना है, फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम दे सकते हैं या लास्ट नेम आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है, उसके बाद एजेंसी डिटेल देना है, इंटर एजेंसी नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं, रजिस्टर्ड एड्रेस यानी आपका एड्रेस जो होना चाहिए दोस्तों आपके आईडी में, यानी आधार कार्ड वोटर आईडी जो भी आप देंगे वो आईडी में आपका ये एड्रेस होना चाहिए। रजिस्टर्ड एड्रेस में जो भी उस आईडी में एड्रेस है वही एड्रेस आप यहाँ पे देंगे, तभी आपका यहाँ पे ये अप्रूव होगा, नहीं तो अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि ये आईडी आपको देना पड़ेगा वैलिड एजेंसी बनने के लिए, अगर आप यहाँ पे एजेंसी बनना चाहते हैं। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे आईटीआई स्टेटस यहाँ पे अप्रूव कर सकते हैं, नोट अप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद नेम, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस टाइप के प्रकार के हैं, आपका पैन कार्ड का नंबर देना पड़ेगा, पैन कार्ड होल्डर नेम, आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा, यहाँ पे जो जो स्टार बना हुआ वो जरूरी है कि देना ही पड़ेगा। उसके बाद प्रोडक्ट में आप क्या क्या लेंगे, एयर टिकट यहाँ से आप ले सकते हैं, हॉलीडे होटल ट्रेन का भी ले सकते हैं। फिलहाल एयर टिकट आपको यहाँ पे फ्री में दिया जाता है, लेकिन और ट्रेन ये सब का आपको चार्ज देना पड़ता है, बस का भी फ्री में ही होता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर बिजनेस अकाउंट, इंटर या इंटर आपका मोबाइल नंबर देना है, इंटर ईमेल आईडी देना है, इंटर पासवर्ड करना है आपको, जो कि पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे कि अगर आपका नाम है आलम @123 होना चाहिए, नाम आलम है तो आलम @123 होना चाहिए, इस तरह का आपका पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि आप कुछ भी यहाँ पे तो यहाँ पर प्रपोज दे सकते हैं। उसके बाद साइन अप फ्री, यहाँ पे साइन अप बोल रहा है, साइन अप फॉर फ्री। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा इसके बाद आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये फॉर्म फिल कर लेना है, फॉर्म फिल करने के बाद आप साइन अप पर क्लिक कर लेना, जैसे साइन अप पर क्लिक करोगे तो आपका डिटेल इसके कस्टमर केयर में भेज दिया जाता है दोस्तों, भर दोगे वो फॉर्म भर दोगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पे कस्टमर केयर में बात करना पड़ेगा, जो कि तभी आपका अकाउंट एक्टिव किया जाएगा। आप कस्टमर केयर में फोन करके बात कर सकते हैं, जैसे कि दिल्ली का यही नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी भी दिया गया है, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। उसके बाद आप बेंगलुरु मुंबई अलग अलग जगह अलग अलग दिया जाता है, तो आप दिल्ली का दिल्ली में ही कॉल कर सकते हैं, कोई जरूरी है अदर स्टेट का भी आप दिल्ली में कॉल कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आपको उसी स्टेट में नंबर में कॉल करना है। तो आप इस तरीके से यहाँ से आप इसे कॉल करेंगे और आप बताएंगे कि किस नाम से आप रजिस्टर्ड किए, उस नाम के रजिस्टर करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स जो मांगा जाएगा आपका उसको मेल करना पड़ेगा care@easymytrip, पहले सबसे पहले आपको उस बात करना है और बात करने के बाद आपको बोलेगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स आप मेल करो, तो मेल करने के बाद आपका आईडी एक्टिव कर दिया जाएगा। सबसे पहले आप बात करेंगे, फिर वो बताएंगे कि आपको क्या करना है आगे। तो इस तरीके से अगर आप इजी माई ट्रिप में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यानी फ्लाइट टिकट की एजेंसी लेना चाहते हैं, चीप में फ्लाइट टिकट बनाना चाहते हैं, सस्ते रेट में फ्लाइट टिकट बनाना चाहते हैं, तो यहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं और यहां से आप बुकिंग कर सकते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को फेसबुक में लाइक एंड फॉलो जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।